हरिओम भारत जी जी नमस्कार। अभिवादन, नमस्ते, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। तो भारत जी, आपसे आज आपके बारे में और गणतंत्र दिवस की परेड में 26 जनवरी 1963 के संदर्भ में कुछ बातचीत होंगी, तो वो मैं बातचीत प्रारंभ करता हूं। तो सर्वप्रथम आप अगर ये बताएंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जन्म कहाँ हुआ, तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ था जी, 1934 में जी जब पाकिस्तान बना जी तो मैं आठवीं पास करके वहां से आया था। जी संघ का प्रवेश मेरा रावलपिंडी में ही हो गया था। अच्छा जी मैंने वहां प्राथमिक भी वहां कर लिया था। जी यहाँ दिल्ली आने के बाद मैं यहाँ 9वीं कक्षा में दाखिल हुआ जी और 9वीं कक्षा में यहाँ वैसे मैं अच्छा पढ़ने में अच्छा था, लेकिन वहां जी पर क्योंकि यहाँ स्कूल में भीड़ थी तो मुझे साइंस नहीं मिल सकी, मुझे कॉमर्स में जी लिया गया। जी तो फिर 9वीं 10वीं 11वीं वो हायर सेकेंडरी होता था यहाँ पर दिल्ली में ही मैंने पास किया। पढ़ने जी में मैं काफी अच्छा था, जी इतना अच्छा था कि मेरा वास्तव में मैं अभी हिंदी पत्रिका चलाता हूँ जाह्नवी में, जी जी लेकिन मेरा मूल जो विषय प्रिय विषय था वो गणित था। जी गणित में इतने अच्छे नंबर आते थे कि जी मेरे स्कूल के अध्यापक ने, यहाँ का बहुत अच्छा स्कूल है रामदेस नंबर 5, मैं उसमें पढ़ा था, तो जी उसने कहा कि आप, कोई सवाल मुझे गलत होता ही नहीं था गणित में, पूरे के पूरे नंबर आते थे। तो उसने कहा कि आप गणित में अच्छे हैं तो आप ऐसा करिए कि जो आप गणित पढ़ते हैं कॉमर्स में, ये लोअर मैथ्स है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप हायर मैथ्स पढ़ने चाहिए। तो उसने मेरे एक के लिए सारे स्कूल का टाइम टेबल बदल दिया ताकि जब जी साइंस के लड़के गणित पढ़े तो मैं उधर जाके गणित पढ़ लूँ। इस तरह उस वक्त के टीचर किस तरह के थे, उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, तो आज जी सोचकर जी भी मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ कि उस वक्त के कैसे टीचर थे कि पूरे स्कूल का टाइम टेबल मेरे एक लड़के के लिए उसने बदल दिया। मैं हाँ हायर जी सेकेंडरी में अच्छे नंबर से पास हुआ, मतलब फर्स्ट आई थी स्कूल में, कॉमर्स ग्रुप में मैं था, लेकिन हमारे यहाँ पारिवारिक वातावरण ऐसा था कि मेरे पिताजी हम नहीं खाते थे, केवल गाय का दूध पीते थे। अच्छा जी 35 वर्ष तक उन्होंने गाय का दूध ही पिया। जी तो गाय का दूध पीने के लिए गाय रखना जरूरी होता है, तो दिल्ली में गाय रखने में प्रॉब्लम आएगी, तो हमारे पिताजी ने यहाँ उत्तराखंड में हल्द्वानी है नैनीताल के जी पास, वहां जी जमीन खरीदी और जी मुझे पढ़ाई छुड़ा कर, हालांकि मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, मुझे खेती करने के लिए भेज दिया हल्द्वानी में छह वर्ष हल्द्वानी में, जी हल्द्वानी के पास काला ढूंगी है, वहां पर फार्म जी जी है, आज भी वो फार्म है। तो मैंने शुरू किया था, 6 साल में वहां खेती करता था। तो जी फिर 6 साल खेती करने के बाद, उस वक्त खेती की हालत बहुत खराब होती थी, तो भी मैंने वहां पर गन्ने में, धान में, जिले में प्रथम आके इनाम लिया, बहुत अच्छे जी खेती भी की। फिर दिल्ली में आ गया क्योंकि घर दिल्ली में था, तो जी दिल्ली में आकर मुझे माता जी कहने लगे कि ये तो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसको पढ़ना चाहिए था। तो घर में वातावरण बन गया तो मुझे पढ़ाई के लिए वहां पर एडमिशन पढ़ना चाहिए करके वातावरण बन गया। तो जी मैं सुडौल बाग में एक खालसा कॉलेज था, वहां उसमें जी गया, तो वो आखिरी दिन था विद द एडमिशन परमिशन ऑफ का यूनिवर्सिटी एडमिशन का। अगर मैं एक जी दिन देरी से यहाँ आया होता दिल्ली में तो मेरा एडमिशन नहीं होता। फिर मैंने यहाँ पर कॉलेज में दाखिला ले लिया, अब मेरे अच्छे नंबर थे, फर्स्ट डिवीजन थी, सब कुछ था, स्कॉलरशिप मिलने लगा, लेकिन वहां पर बोर्ड में आया कि जिनके अच्छे नंबर है वो ऑनर्स ले सकते हैं। तो जी मुझे मन में प्रभाव था, वो तो संघ के संस्कार थे, कुछ आर्य समाज के संस्कार थे,
भाई, तो मैंने सोचा भी जिन लड़कों के फर्स्ट यूनिट होती है, फर्स्ट ग्रेड के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो साइंस में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, तो हिंदी के लिए थर्ड ग्रेड स्टूडेंट किसको कुछ नहीं मिलता, वो हिंदी में जाता है। तो मैंने हिंदी करके हिंदी पर ऑनर्स करने का तय किया। हालांकि मेरा कोई हिंदी में ज़्यादा रुचि नहीं थी, मुझे कोई हिंदी आती भी नहीं थी, लेकिन इस प्रभाव में मैंने उस निर्णय लिया और मैं हिंदी ऑनर्स के लिए दाखिल हो गया, उसमें मतलब ट्रांसफर हो गया। हिंदी ऑनर्स करने के बाद फिर कॉलेज में अलग अलग तरह का था, क्योंकि नया नया खालसा कॉलेज था, नया नया हिंदी शुरू हुआ था, कोई लाइब्रेरी भी खास नहीं थी, कुल स्टूडेंट 30 जा रहे थे, हमें कुछ पढ़ाया वढ़ाया ज़्यादा नहीं गया, तो बहुत कष्ट भी था। लेकिन तो भी वहाँ पर एक हमारे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे डॉक्टर हरिभजन सिंह जी, वो काफ़ी प्रभावित थे, तो फिर भी मेरे नंबर नंबर ठीक ठाक आ गए। मैंने किए थोड़ी बहुत, क्योंकि मैं गणित के विद्यार्थी था, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सोच के अच्छे नंबर आ गए। लेकिन नंबर अच्छे आने के बाद वो कहने लगे कि आपने साथ हमने अच्छा पढ़ाया नहीं, लेकिन तो भी आप एमए यहीं करिए यूनिवर्सिटी में। तो एमए मैंने यहीं पर करने की सोची। उनसे बहुत प्रेम हो गया था, डॉक्टर हरिभजन सिंह थे, सरदार थे, वो हिंदी एमए मैंने वहीं ज्वाइन किया जी। अब हिंदी एमए ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर पढ़ाई तो यूनिवर्सिटी में होती थी जी, मैं खाली ट्यूटोरियल खालसा कॉलेज में होता था जी, तो 2 साल वहाँ पढ़ाई की, वहाँ पर रिसर्च वर्क था, रिसर्च वर्क की वजह से भी अच्छा मेरा लक्ष्मी एंड मिश्र के नाते के ऊपर रिसर्च था, तो बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया गया। यूनिवर्सिटी में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनके जो सेकंड नंबर थे डॉक्टर विजेंद्र स्नातक, वो मेरे गाइड थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा मुझे प्रभावित किया। डॉक्टर हरभजन सिंह जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इनसे बड़े प्रेम था, तो ये कहने लगे कि ऐसा है कि तुम एमए करके हमारे कॉलेज में ही लेक्चरर लग जाओ जी। तो मुझे लेक्चरशिप की उन्होंने ऑफर की, तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए इस तरह है कि मैं तो नौकरी नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा क्यों, क्या करोगे? मैंने कहा मैं संघ का प्रचारक जाऊंगा, तो मैं 2 वर्ष के लिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई सी आदमी को ऑफर किया जाए और उसके बाद भी वो इनकार कर दे जी। तो इस कारण से वो अत्यंत प्रभावित हुए। फिर उनके संघ में उनका थोड़ा बहुत संपर्क मैंने करवाया। एक बार गुरु जी का भाषण था परेड ग्राउंड में, मैं उनको साथ लेकर भाषण सुनने के लिए ले गया, तो थोड़े थोड़े वो संघ के निकट आ गए। अच्छे, आप रावलपिंडी से 1947 से पहले आ गए थे या 47 के बाद इधर आए थे दिल्ली? 47 में आए, पार्टीशन के समय आया हम जून में, लेकिन क्योंकि रावलपिंडी में झगड़ा पहले हो गया था जी, तो हम जून में आ गए थे। अगस्त में पूरा ज्यादा लोग आए, हम जून में आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा वेट किया। थोड़ा सा और आप पीछे बैठेंगे तो चेहरा पूरा आएगा, अभी थोड़ा, हाँ वो फिर से हिल गया है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, तो ठीक ठीक है जी, सुंदर। तो उसके ये जो प्रचारक रहा, मैंने प्रथम वर्ष 59 में किया, 58 में प्रथम वर्ष किया, द्वितीय वर्ष 59 में किया और 61 में तृतीय वर्ष किया, उसके बाद मैं प्रचारक चला गया जी। तो अम्बाला छावनी में 2 वर्ष में प्रचारक रहा जी, सरदार चरणजीत सिंह जी हमारे जिला प्रचारक थे जी, और अविनाश सिख संगत के हैं वो जी, हमारे वो भी प्रचारक थे जी, जिला में थे अम्बाला में जी। तो बासित जब टीम का युद्ध हुआ तो मैं अम्बाला में ही था। उसके बाद जब 63 की परेड थी तो मैं 2 वर्ष के लिए गया था, मुझे वापस आना था, मैं आया तो वैसे भी दिल्ली में सुनते हुए उसका नहीं था, लेकिन परेड में शामिल होने के लिए मुझे परेड में भी शामिल कर लिया, तो मुझे सौभाग्य परेड में शामिल होने का हुआ। बहुत अच्छा उत्साह था, बहुत अच्छा वातावरण था,
और उस वातावरण में हमारा जो संचलन गीत था मुझे आज भी याद है, बड़े चलो यार मत वालो, जी देश धर्म के रखवाले बड़े चलो, तो ये संचलन गीत था हमारा, जी बड़े चलो यार मत वालो भारत माँ के प्रिय लाल। जी अच्छा उत्साह था उस वक्त, अलग ही वातावरण था। तो यहाँ दिल्ली में आकर फिर मुझे परेशानी हुई, क्योंकि मेरे साथ कॉलेज में कुछ कंट्रोवर्सी थी, जो लंबी बात है, मैं यहाँ का बताने में लंबी हो जाएगी, बताने में तो कोई खास नहीं, मैं लेकिन ये जो आप दिल्ली आए थे अंबाला से, तो परेड की सूचना कैसे मिली आपको? मैं संघ में तो संपर्क में था ना, साथ किया तो उस समय कहां पर यही थे? था, जी राजेंद्र नगर में जाता था, तो राजेंद्र जी नगर के लोग थे, तो मेरे सब संपर्क में तो लोग थे, बाद में यहाँ आकर भी मैं संपर्क में ही था, शाखा में जाता था, आज भी जी मैं शाखा में इस प्रकार जाता हूँ कि मान लो 5 वर्ष का रिकॉर्ड हो, जी 5 वर्ष में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जो मेरा एब्सेंट हो, पूरा समय जी जाता हूँ, केवल प्रार्थना के लिए जी नहीं जाता, पूरा समय जाता हूँ, और पूरा समय के बाद भी शाखा में थोड़ी बहुत सक्रिय भी रहता हूँ। वैसे कोई उत्तरदायित्व तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि तो मेरे जी पास जाह्नवी चलाने की जिम्मेवारी है, तो मैं जी जाह्नवी चलाता हूँ। मैंने जी उस वक्त प्रचारक जीवन से वापस आया तो मुझे नौकरी मिलना कठिन हो गया था, मिल ही नहीं सकती थी, मेरा कोई इंटरव्यू भी नहीं बुलाया गया, वो जी कॉलेज में कंट्रोवर्सी थी, अब भी यहाँ विस्तार में बताने में कोई लाभ नहीं है, उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, लेकिन जो यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नगेंद्र हेड थे, तो उनके जो जी सेकंड डॉक्टर नगेंद्र स्नातक थे, उन्होंने एक मुझे बुला के कहा कि देखो भाई जी हमने बहुत जोर लगा लिया, लेकिन जब तक डॉक्टर नगेन है तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई नहीं लाएगा, तो तुम कोई और लाइन कर लो। तो मैंने कहा अभी क्या करूं, तो उन्होंने कहा मेरे शिष्य हैं रेडियो में, मैं तुम्हें रेडियो में लगवा देता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत जी प्रेम रखते थे, बहुत प्रभावित थे मुझसे, क्योंकि जी मेरा जो रिसर्च वर्क था वो बाद में दिल्ली के जो एक अच्छे प्रकाशक थे उन्होंने प्रकाशित भी हो गया, तो तब होने के बाद भी वो फर्स्ट क्लास था, सब कुछ था, लेकिन मुझे बुलाया नहीं जाता, तो उन्होंने कहा मैं रेडियो में लगवाता हूँ, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो चला गया। उन्होंने कहा बात है इस तरह है कि स्नातक जी ने कहा है सर माथे पर, लेकिन ये तो सरकारी काम है, तो सरकार कहेगी तभी आप, सरकार से कोई वैकेंसी निकलेगी तब हम आपको बुला लेंगे, तो जी ये सब भी कठिन सब हो गया। अब मैं नौकरी छोड़कर गया था और आते हुए मुझे 1 वर्ष हो गया, वो डॉक्टर हरभजन सिंह जी से मेरा इतना प्रेम था कि उन्होंने मुझे 1 साल के लिए, उसको तो बड़ा कष्ट हुआ कि इसको नौकरी दे रहे थे अभी नहीं गया और अब ये इतना अच्छा आदमी है इसको नौकरी नहीं मिल रही, उन्होंने, मैं अम्बाला जैन सिटी में जैन कॉलेज है वहाँ इंग्लिश का पार्ट टाइम लेक्चर लगा दिया, खाली बैठा है कुछ तो करे, तो मैं उनके सिफारिश पर अम्बाला जैन कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चर के रूप में गया, पार्ट टाइम लेक्चर जी था जी इंग्लिश का लेक्चर के रूप में, फिर भी आगे समस्या तो अगले साल यही बनी रही, अंत में सोचा गया अभी क्या किया जाए, तो एक समस्या ये आया कि इस वक्त सरिता बहुत चलती थी हिंदुस्तान में, दिल्ली प्रेस की सरिता जो है वो हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत आर्टिकल लिखती थी, हरिओम तो हमें जी, लगा कि हिंदू धर्म के खिलाफ वो जो लिखती है इससे बहुत नुकसान हो रहा है, जी, वीडियो रुक रहा है, कुछ सिग्नल कम है। जी तो क्या किया जाए, तो हमने कहा भी इसको इसके खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, पत्थर लेकिन उन प्रदर्शनों से तो उसकी प्रचार और बढ़ता आपके है, तो आपके वहां सिग्नल कुछ कम है, तो वीडियो रुक रहा है, आवाज भी इसके ये अच्छा है रुक रही कि है। छोटी लकीर के साथ एक बड़ी लकीर बनाई जाए, हमने जी, इसको आपने सॉल्व सरिता किया। के विरोध में
ये सोचकर जाह्नवी पत्रिका निकालने का निर्णय लिया। माननीय माधवराव जी मुले थे जो बाद में सरकारीवादी बने, तो वो हमारे प्रांत पत्रक थे, उन्होंने मुझे भेजा था प्रचारक बनाकर। माननीय गोखले जी थे, अनंतराव जी गोखले, वो हमारे प्रेम था। तो अंत में ये निर्णय लिया गया कि उसके मैं जाए और धीरे बोल दू। तो उन्होंने मुझे उनकी प्रेरणा से मैंने जाह्नवी पत्रिका जी उनकी प्रेरणा से जाह्नवी पत्रिका प्रारंभ की, माधवराव मुले जी की प्रेरणा से। जी बोल गया जी भारत जी, आवाज आ रही है मेरी? भारत भूषण जी, मेरी आवाज आ रही है? तो जाह्नवी पत्रिका निकालने का वो सरिता है, ये जाह्नवी है, ये न लिया गया। जी तो माननीय माधवराव मुले जी का एक सावरकर जी का उपन्यास था गुमांतक, उसका उन्होंने हिंदुवाद दिया था, वो उन्होंने पहले अंग में ही मुझे दिया। तो मैंने उसको पहले अंग से ही स्थापना शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद का जो पहला सम्मेलन प्रयाग में हुआ था, वहीं पर हमारा उद्घाटन हुआ जी। और हमने वहां पर, तो वहीं से ये पत्रिका जी। माधवराव जी मुले की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद था, तो वो पत्रिका ऐसे जी तब से लेकर निरंतर प्रकाशित हुई है। कई तरह की कठिनाइयां आई बाद में, एक बार हाँ आपकी आवाज पूरी आ रही है। हाँ आ रही है जी, मेरी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है? जी 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 अरे ओ हाँ जी, आगे करूँ? जी तो उस वक्त से 1966 में हम तो भारत भूषण जी का कुछ सिग्नल कम है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से जुड़ेंगे, फिर से कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे होंगे, तो जुड़ने ही वाले होंगे, उनसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। जैसा कि हम सुन ही रहे हैं, रावलपिंडी में उनका जन्म हुआ 1934 में, और 1947 में वह रावलपिंडी से दिल्ली में आए। दिल्ली में आकर किस प्रकार विद्यालय में गणित के वो अच्छे शिक्षार्थी थे, हल्द्वानी गए, हल्द्वानी में 6 वर्ष खेती बाड़ी का काम किया, वापस दिल्ली आए, और दिल्ली आकर फिर से उन्होंने खालसा कॉलेज ज्वाइन किया, और खालसा कॉलेज से बीए किया, एमए किया, वहां पढ़ाने का भी ऑफर मिला। तो यह भी हम उनके द्वारा सुन ही रहे हैं। 1963 के संदर्भ में भी थोड़ा सा उन्होंने बताया है, थोड़ा और बातचीत उनसे हम करेंगे कि 1963 की परेड में वो किस प्रकार से सहभागी हुए, किस प्रकार 1963 की यादें उनकी क्या क्या रही, उन सब पर उनसे बातचीत करने ही वाले हैं। तो जैसे ही वो हमसे जुड़ेंगे और जुड़कर उनसे बातचीत करेंगे, तो कुछ सिग्नल की वहां दिक्कत होगी, जिसके कारण उनको जुड़ने में समय लग रहा है। जाह्नवी एक पत्रिका है, महिलाओं के क्षेत्र में चलती है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के विषयों को लेकर वो काम करती है। जी भारत जी, हाँ भारत जी, जी तो हमें जरा एक बात बताइए कि ये जो
1963 में परेड की सूचना आपको मिली, हाँ तो जी आप कौन सी शाखा, उस उन दिनों कहाँ रहते थे? उन्नीस सौ तिरसठ के समय में आपका निवास कहाँ पर था? यही राजिंदर नगर एक करोल बाग के साथ है, राजिंदर नगर वही हमारा घर है, राजेंद्र नगर में रहते, वही तो घर वहीं है का शाखा में वहीं आज। से ही प्रचारक गया था राजिंदर नगर जी में, ये जी करोल बाग के पास राजिंदर नगर था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करोलबाग के साथ में रहेंद्र नगर, आज भी वही हनुमान जी निवास के है हमारा जो, अपना घर जी है। हनुमान हनुमान जी की जो विशाल मूर्ति है उसके पीछे की तरफ। उससे जरा आगे जाकर बाएं हाथ पर हाँ, तो आपके साथ और कौन कौन लोग उस कार्यक्रम में एक साथ गए होंगे, कुछ नाम याद है आपको? अब ज्यादातर लोग जो है शौकत के वाले हैं तो ऊपर जा चुके हैं, अब अच्छी कोई अभी ऐसा ध्यान में नहीं आता कि कोई क्योंकि अपने शाखा से कितने समय लोग गए होंगे, और कुछ कुछ संख्या याद है क्या? मैं तो देखिए सायन में से प्रचारक गया था, तो मैं जी सायन में था जब प्रचारक गया, वापस आया तो फिर प्रभात में आया, तो जी प्रभात में लोग थे वो लगभग जो है कह नहीं सकता लेकिन थोड़े लोग थे, क्योंकि सिर्फ दो ग्रुप जी ही उन्होंने दो दो बैच ही उन्होंने मिलिट्री वालों ने अलाउ किए थे, दो या जी तीन बैच ही थे, तो जी अच्छी परेड हुई थी, तो जी दो तीन बैच ही थे ज्यादा नहीं थे, उन्होंने मांगे ही इतने थे भी इतनी जगह इतने ज्यादा भी जी जा सकते थे। तो ये जो आपने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया, तो उसकी यात्रा का वर्णन, संचलन का वर्णन, रूट मार्च के बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ याद है आपको? हाँ संचलन बड़ा उत्साहपूर्वक था और मैंने बताया कि बड़े चलो है मत वालो भारत माँ के प्रिय लालो, ये संचलन गीत जी था और हमने पहले जी भी अभ्यास किया हुआ था जी उस वक्त जमाने में, तो आज की तरह संघ वेश जो है वो नहीं था, पद वेश भी इतने भारी भारी मिलिट्री के जूते होते थे, ऊपर पट्टियां होती थी और उस तरह से सारी कर्मठता थी, तो उस वक्त तो उत्साह अलग ही था, जी तो बहुत ही उत्साहित थे, अब अच्छा चल रहा था, जी आज जितना उस तरह का उत्साह नहीं देखने को मिलता, जिस ऐसा उत्साह उस समय था, जी संख्या भले ही आज ज्यादा होगी लेकिन जी उत्साह उस वक्त ज्यादा था। राजपथ का रोमांच कुछ आपको याद है तो? और कोई प्रश्न आप? सेना के साथ राजपथ पर कदम से कदम मिलाकर चलने का कोई अनुभव, कोई आनंद? रोमांच तो बात यार आप था ही, रोमांच तो ऐसे हम उछल रहे थे कि हमारा ही सब रोजगार है। देखिए उस समय पहले ही संचलन अक्सर हुआ करते थे, तो बड़े अच्छी अनुशासनात्मक था, जैसे मिलिट्री की परेड थी ऐसे ही वो परेड भी कोई कम प्रभावी नहीं थी, देखने वालों ने जो देखा हम तो शामिल थे लेकिन देखने वालों में या जी बाद में टीवी में भी, तो वैसा ही अनुशासन की बंदी हुई, ऐसे नहीं कि ढीले ढाले लोग चल रहे हैं, क्योंकि तो पहले संचलन ज्यादा होते थे, अभ्यास ज्यादा था, मिलिट्री वाले जूते थे तो जी कर्मठता अच्छी थी, उस वक्त का जो संघ था उसमें साथ ज्यादा होता था, आज संघ जो है वो बहुमुखी हो गया जी है, तो उस प्रकार का उत्साह शाखाओं में नहीं दिखता जैसा कि तब होता था। जी आपने बताया शाखा आप नियमित जाते हैं, कोई भी दिन मिस नहीं करते हैं, इसका अर्थ है कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। नियुक्त काल में योगा करता हूँ करवाता भी हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ करवाता भी हूँ, तो इसलिए मेरा जी स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, नहीं तो जी अब आज मैं 86 वर्ष का हूँ तो कई जी तरह के संकट आदमी के तो पकड़ लेते, तो ये जी उसकी उपलब्धि है ही है, मैं स्वस्थ रहता हूँ। जी तो अपने परिवार में कौन कौन है जी?
अभी तो एक ही लड़की है, पहले तीन लड़कियां थी, दो का स्वर्गवास हो गया बीमारी के अच्छा जी कारण। ये एक है वो अमेरिका जी में है, हम तो यहाँ पति पत्नी जो है अकेले ही रहते हैं, बाकी संयुक्त जी परिवार है, तो बाकी जो हमारे हैं जी वो लोग ऊपर नीचे रहते हैं, संयुक्त परिवार का आनंद रहता है। बाकी हम अपने परिवार में मैं और मेरी पत्नी है, जी लड़की जो है वो अमेरिका में है। जी तो संघ के 1947-50 उस समय के कोई गीत के कुछ बोल याद हैं तो कुछ दो पंक्तियां सुनाएंगे। याद तो हो सकते हैं, बहुत सारे गीत तो मैं कोई गायक नहीं था, लेकिन जो जी भी मेरे बड़े भाई साहब जो थे उस जी वक्त रावलपिंडी में, पूजनीय गुरु जी आए थे नाथन धर्म स्कूल में, जी बहुत बड़ा कार्यक्रम 1950 के मतलब 1947 से पहले हुआ था, बहुत बड़ा जी कार्यक्रम था, इधर उधर से भी लोग आए जी थे। उसमें मेरे भाई साहब बड़ा अच्छा बोलते हैं, उन्होंने जी प्रार्थना भी बोली थी और गीत भी बोला था। जी मैं तो उतना गायक नहीं हूँ, वो तो अच्छे तो गायक थे, तो गीत के कुछ उन्होंने बोल याद बोला है था। क्या? गीत के गीत के बोल एकदम से तो ध्यान भी नहीं होंगे, लेकिन तो मेरी 50-60 के दशक एकदम ध्यान भी पे। नहीं आएंगे, लेकिन गीत तो बहुत सारे वही जी है जो अभी जी भी। तो आजकल भी आप शाखा नियमित जाते हैं? 50-60 के दशक में यह है कि मैं 50 से लेके 56 तक तो घूम रहा हूँ। जी हाँ जी बिल्कुल, नहीं जाते हैं, नहीं तो आजकल शाखा में कौन सा गीत चल रहा है? भी जाते हैं, दिल्ली, कनक में राजेंद्र जाते नगर हैं, भुना में नागा जाते हैं। आजकल कौन सा गीत चल रहा है जी? अब ये 3-4 दिनों में, 3-4 दिनों से तो युगों से बहती आई अपनी संस्कृति धारा, जी जी इसी इसी से हुआ रहा, एकदम से हम जी यहाँ युगो से युगों बोलते से हैं कहाँ चलती जा आई, पाएगा, युगों से इसी बहती से आई संपन्न हिंदू हुआ राष्ट्र हमारा। संस्कृति धारा, जी इसी से एक हाथ हुआ राष्ट्र हमारा। बाकी जी बोल भारतवर्ष भी हमारा। आते हैं जी ऐसा, ये तो बहुत सारे आते हैं ऐसे। जी तो व्यवसाय और उद्योग के नाते फिर जीवनचर्या के लिए क्या किया जी? जाह्नवी पत्रिका के बारे में आप बता रहे थे। ये पत्रिका चलाता हूँ, यही पूरे समय काम है, पूरा जी समय यही काम है, पूरा पत्रिका चलाता हूँ, पूरा दफ्तर है, सब चलाना जी पड़ता है, बहुत मेहनत करनी जी पड़ती है, पत्रिका चलाना कोई जी सरल काम नहीं है, जी लोगों को पसंद आती है इसलिए चल रही है। जी तो 50-60 के दशक में संघ की शाखा, संघ का काम, और आज के समय में संघ की शाखा, संघ के काम में कुछ परिवर्तन आपको लगता है तो कैसा परिवर्तन लगता है? बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन जी है, तब तो इस तरह का जी था, आज जो आता और एकदम अलग है, जी सब सब शाखा के ऊपर बेस था, शाखा पे जोड़ दिया जाता जी था। आज बाकी जो बहुमुखी काम है उन पे जी ज्यादा ध्यान है, शाखा पे काम ज्यादा, शाखा कैसे डिजिटली करे तो किसी को ज्यादा, अब उम्मीद संसार तो ये है कि शाखा ठीक चलनी चाहिए, बाकी चीज अपने आप ही जी फल फूल जाएगी, लेकिन जी आज वातावरण ये है कि शाखा के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है, बाकी कामों पर ज्यादा, जी तो आपकी अनुषंगिक संघ कामों आयु भी में है, लगभग राजनीति में है, और क्षेत्रों में है, उन पर ज्यादा ध्यान है। जी। आज से समझ लीजिए 75-76 वर्ष हो गए, 75-76 वर्ष आपको लगातार संघ में स्वयं सेवक हैं, आप 76 वर्षों से संघ के काम से भी पचहत्तर जुड़े हुए हैं। आजकल के काम में सेवा भारती सेवा के लगभग पौने 2 लाख प्रकल्प चलते हैं, तो सेवा कार्य, सेवा संगठन भी बहुत सारे हैं। आरोग्य भारती है, सेवा
भारती है, शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भारती, विद्या भारती, तो काम भी कई प्रकार के बढ़ गए हैं। तो उन कामों की दृष्टि से भी व्यस्तताएं संघ के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की बड़ी होंगी निश्चित तौर पर। तो कोई और अनुभव जो आप साझा करना चाहें, आप इतनी लंबी अवधि से संघ के स्वयंसेवक हैं, सक्रिय हैं, स्वस्थ हैं और आज भी नियमित शाखा जाते हैं, इस दृष्टि से कोई विशेष बात जो आप बताना चाहें अपने इस लंबे अनुभव के आधार पर, तो कृपया बताइए। जी, जी भारत, जी भारत जी, मैं तो यही कहूंगा कि सारे कार्य ठीक है, सारे कार्य करने चाहिए, ठीक है, ये वो बहुत जरूरी है, लेकिन जी मुख्य कार्य जो है जी वो शाखा में नियमित जाना और शाखा में एक एक का चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का विचार हो, इसका प्रमुख बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमसे जुड़े, हमसे वार्ता की और हमारे इस वार्ता के बहुत लिए शुक्रिया, समय बहुत निकाला। शुक्रिया। तो आज ये थे हमारे साथ भारत भूषण जी, जो बहुत बहुत जाह्नवी धन्यवाद सर। पत्रिका जी, जो जाह्नवी पत्रिका चलाते हैं, और उन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, और इस मुलाकात के लिए, इस बातचीत के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भेंट करेंगे अगले सत्र में जी, तब तक के लिए नमस्कार, भारत जी को प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।